हेलो गाइस, मैं रोहित प्रजापति आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ मैथ बिगिनर क्लासेज में। तो गाइस, आज हम लोग पढ़ेंगे एनसीईआरटी मैथ क्लास 7 का एक्सरसाइज नंबर 1.2 की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो गाइस, चलिए बिना टाइम को स्पेंड किए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सो गाइस, आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से देखिएगा। ऐसे पूर्णांक युग में लिखिए जिसका योग करने पर -7 है। मतलब ऐसे पूर्णांक संख्या क्या बताए हैं, पूर्णांक संख्या क्या बताए थे, जो शून्य हो बताए थे। पूर्णांक संख्या सभी ऋणात्मक संख्या, सभी धनात्मक संख्या मिलकर क्या बनते हैं, पूर्णांक संख्या मिलती है। आपको बता दिए इंटीजर नंबर, ठीक गाइस। तो देखिए, ऐसी पूर्णांक युग्म लिखना है, दो युग्म बनाना है, जोड़ना है, जिसको जोड़कर -7 आ जाए। कोई दो पूर्णांक संख्या लिखिए जिसको जोड़कर -7 आ जाए। तो हम क्या जोड़े कि -7 आ जाए। अगर हम यहाँ पे -2 और क्या जोड़ दें, और यहाँ जोड़ना है तो बीच में प्लस रहेगा, और यहाँ क्या कर दें, माइनस, बताइए बताइए 5। देखिए, हमको किसी तरह योग का है ना, जोड़ने के बाद -7 आना चाहिए था। योग कर दी बीच में, देखिए तो -2 और प्लस -2। अब देखिएगा, ये हो गया -2 और प्लस माइनस मिलके -5 होता है ना। अब देखिए, माइनस माइनस मिलकर क्या होता है, जुड़ जाता है। तो ये हो जाएगा -7, क्योंकि माइनस माइनस मिलकर जुड़ जाता है, और जो बड़ा अंक रहता है उसको सामने वाला चिन्ह लगा देते हैं। सो गाइस, आपको आशा करते हैं समझ में आ गया होगा। सो गाइस, आइए इसमें अब देखते हैं बी नंबर क्वेश्चन। एक नंबर क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, बी नंबर क्या बोल रहा है, ऐसे ही पूर्णांक युग्म लिखना है जिसका अंतर घटाने पे -10 आना चाहिए। तो हम क्या कर रहे हैं, अगर -2 में से -8 को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस मिलकर माइनस होता है ना, और माइनस माइनस जब आता है तो हमेशा जुड़ जाता है, ये हो जाएगा -10। सो गाइस, आशा करते हैं आपको समझ में आ गया। देखिए, माइनस करने पे -10 आ गया, इसका -7 बोला था, -7 आ गया। देखिए, यहाँ घटाकर -8 10 लाए और यहाँ जोड़कर -7 ला दिए, ठीक गाइस। अब आते हैं इसमें थर्ड क्वेश्चन। इसमें बोल रहा है क्या कि योग करने पे 0 आना चाहिए। ऐसे दो पूर्णांक संख्या लिखिए जिसका योग करने पे 0 आना चाहिए। तो और इजी है, अगर हम प्लस के 5 जोड़ दें, प्लस के 5 जोड़ के -5 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस मिलकर क्या होता है, 0। प्लस माइनस मिलकर क्या होता है, 0। ये कट जाता है ना, प्लस माइनस मिलकर, तो ये क्या हो जाएगा, 0 आ जाएगा। सो गाइस, आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो गाइस, चलिए अब चलते हैं अपने गाइस, आइए अब देखते हैं दूसरा नंबर, सेकेंड क्वेश्चन, ठीक गाइस। बोल रहा है एक ऋणात्मक और एक धनात्मक संख्या लिखना है जिसका योग करने पे क्या है, -5 आए। तो देखिए, एक ऋणात्मक संख्या ले लेते हैं क्या, -7, और एक धनात्मक संख्या क्या ले लेते हैं, +2, जिनका योग करने पे हमको क्या, देखिए योग माने जोड़ होता है, जोड़ कर रहे हैं ना, योग करने पे -5 आना चाहिए। देखिए, माइनस प्लस मिलकर हमेशा क्या होता है, घटता है, 7 में से 2 जाएगा तो क्या होगा, 5। और चिन्ह क्या लगाते हैं, बड़ा वाला, यानी जो बड़ा अंक रहता है उसके सामने वाला, तो यानी कि बड़ा अंक 7 है, 7 का आगे क्या है, माइनस है, तो -5। सो गाइस, आशा करते हैं ये सेकेंड क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। अब चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। सो गाइस, आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या बोल रहा है। किसी प्रश्न उत्तर के लिए टीम ए द्वारा कितने अंक दिए गए, -40, 10 और 0, और दूसरे टीम बी को कितने अंक दिए गए, 10, 0 और -40। तो पूछ रहा है किस टीम को अधिक अंक मिले, और कह रहा है क्या हम ये कह सकते हैं कि पूर्णांको क्रम बदलने पे मान में कोई चेंजिंग होगा। तो चलिए देखिए, पहले बोला है किस टीम को अधिक अंक मिले, तो पहले इसको जोड़ लीजिए, -40 + 10 + 0। इसको क्या जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे तो क्या होगा, देखिए माइनस प्लस मिलकर क्या होता है, माइनस घट जाता है, तो 40 में से 10 जाएगा तो क्या होगा, 30, और यहां माइनस, ठीक। इसको तो -30 अंक मिला, अब इसको देखिए, इसको कितना मिला, 10 + 0 + -, या प्लस माइनस मिलकर क्या होगा, माइनस, और ये हो गया 40। अब देखिए, इसमें से भी घट जाएगा, 0 तो कोई मान मतलब है नहीं, प्लस माइनस मिले घट जाता है, तो ये भी हो जाएगा -30। तो पहला क्वेश्चन क्या बोला था, किस टीम को अधिक अंक मिले, दोनों को बराबर मिले, टीम ए और टीम बी को दोनों को बराबर मिले। और क्या बोला है, क्या पूर्णांको क्रम बदलने पर मान बदलेगा, बताइए। -40 को अगर शून्य इधर लिख दें, 10 इधर लिख दें, और -40 लिखे, तो मान बदलेगा नहीं, मान कोई चेंजिंग नहीं होगा, चाहे इधर लीजिए चाहे इधर लिखिए। तो वही बोले, मान में कोई चेंजिंग नहीं होगा पूर्णांको क्रम बदलने पर भी, ठीक गाइस। और दोनों को क्या मिले, बराबर बराबर अंक मिल रहा है, ठीक गाइस। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे, तो गाइस आइए अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, ठीक गाइस। देखिए इसमें क्या बोला, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, ठीक है। मतलब इसमें देखना है, देखिए यहां सब इक्वल टू है,
दो देख इक्वल टू मतलब क्या होता है बराबर, ठीक है बराबर दोनों बराबर करना चाहिए, ठीक है जैसे कहते हैं ना एक घर में अगर दो लड़के हैं तो एक सेव है तो आधा आधा काट के बराबर बांटना है, अगर थोड़ा सा भी कम बेस करें तो दोनों में क्या हो जाएगा लड़ाई झगड़ा हो जाएगा मारपीट हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरह इसमें है देखिए यहाँ बराबर है तो इसको भी बराबर करना, जितना इधर अंक हो इतना अंक इधर भी होना चाहिए तभी बराबर होगा। देखिए इधर तो माइनस एट है इधर भी है लेकिन इधर माइनस फाइव है इधर कुछ माइनस फाइव नहीं है तो इससे झगड़ा हो जाएगा इसलिए यहाँ क्या बढ़ेंगे माइनस फाइव। अब ये दोनों के दोनों बराबर हो गया, अब इन दोनों में कभी मारपीट नहीं होगा झगड़ा नहीं होगा, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए इधर देखिए माइनस फिफ्टी थ्री तो है इधर भी है तो यहाँ भरने के लिए क्या कर रहे हैं क्या भरेंगे मान इधर ऑलरेडी बराबर दिख रहा है तो यहाँ क्या भरे ऑलरेडी देखिए माइनस फिफ्टी थ्री यहाँ भी माइनस फिफ्टी थ्री बराबर है तो यहाँ क्या भरेंगे यहाँ कुछ नहीं भरेंगे तो क्या भरेंगे शून्य भर देंगे मान में कोई चेंजिंग ही नहीं होगा, ठीक है गाइस। अब ये थर्ड क्वेश्चन देखिए अब देखिए यहाँ क्या है सत्रह है तो यहाँ शून्य आना चाहिए मतलब बराबर इधर शून्य है और यहाँ बोल रहा कि ये क्या भरें कि इधर भी शून्य तो इधर भी शून्य हो जाए ताकि दोनों को बराबर हो जाए तो इधर हम क्या भर दें माइनस सेवन माइनस सेवनटीन भर देंगे तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस मिलकर क्या होगा माइनस तो ये देखिए प्लस माइनस मिलकर कट जाएगा तो ये भी क्या हो जाएगा शून्य हो जाएगा तो ये भी मिलकर शून्य हो जाएगा तो शून्य शून्य बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो अब आइए नीचे देखते हैं इधर देखिए इधर ये तेरह है तो इधर भी तेरह है माइनस ट्वेल्व इधर भी है तो इधर भी है, ठीक लेकिन इधर माइनस सेवन है लेकिन इधर माइनस सेवन नहीं है तो अगर माइनस सेवन इधर कर देंगे तो ये भी बराबर हो गया इन लोगों में झगड़ा मारपीट अब नहीं होगा, ठीक है। अब आइए नीचे माइनस फोर इधर भी माइनस फोर है ये भी सही है फिफ्टी पंद्रह इधर भी है इधर क्या नहीं है बस माइनस थ्री इधर है इधर नहीं है तो इधर भी क्या बोलेंगे माइनस थ्री। तो गाइस आशा करते हैं आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं या स्क्रीन पे मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा है उस पर आप मैसेज कर सकते हैं। तो गाइस कोई परेशानी हो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, ठीक है गाइस। तो गाइस आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलते हैं कल। जय हिंद जय भारत।